दर्शकों, जिस प्रकार से आप सब लोग जानते हैं कि जॉब्स ख़त्म हो गई है, हमें देखना होगा कि आगे आने वाले 10 ईयर्स बाद में हमारे बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा, उनके लिए किस तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, क्या वे अपने ज़रूरतों के अकॉर्डिंग कुछ अर्न कर पाएंगे, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। दर्शकों, इससे ज्ञात होता है कि समय के साथ परिवर्तन आना बहुत नेसेसरी है। देखा जाए तो रिवॉल्यूशन बहुत ज़रूरी था हमारी कंट्री के लिए, खासकर क्योंकि हमारे जैसे भारत देश में, जो कि एक डेवलपिंग देश है, क्योंकि जिस तरीके से पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है और जनता की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग हमारे पास सफिशिएंट स्कूल कॉलेजेस भी अवेलेबल नहीं हैं, स्कूल की फ़ीस इतनी ज़्यादा हाई है, एडमिशन्स के लिए अफरा तफरी मची रहती है और हर बच्चे का ये राइट है कि उसको एजुकेशन मिले। चलिए दर्शकों, हम चर्चा करते हैं एजुकेशन सिस्टम की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलुओं के बारे में कि इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि पेरेंट्स झेल रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, उसे वो कैसे ओवरकम कर सकेंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं दर्शकों। वेस्टर्न कंट्रीज़ में इस तरीके की के जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो दशकों से चले आ रहे हैं, जिन्हें हम होम स्कूल्स कहते हैं, और दर्शकों बदलाव की वाकई आवश्यकता है और यह अब समय आ चुका है, हाई टाइम है, नाउ इट्स हाई टाइम, तो हमें अपने आप को चेंज करने की बहुत ज़रूरत है। सबसे पहले बात करते हैं रूरल एरियाज़ की। जैसा कि आप जानते हैं कि 70% पॉपुलेशन आज भी रूरल एरियाज़ और कस्बों, ढाणियों और टाउन जैसी जगह पर रह रही है, जहाँ एकमात्र प्राइमरी एजुकेशन है और आगे की स्टडी के लिए उन्हें या तो शहरों की तरफ जाना पड़ता है या फिर पेइंग गेस्ट में रहना पड़ता है, या तो 20 से 30 किलोमीटर्स रोज़ ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। उसके लिए कम पैसों में उचित शिक्षा की उपलब्धता संभव है वह केवल डिजिटल एजुकेशन सिस्टम से। इससे कम से कम समय में, कम पैसों में, अफोर्डेबल फीस में हर बच्चे को शिक्षा प्राप्त करना संभव हो जाता है। अगर कोई बच्चा बीमार है या फिर उसके साथ में कोई फैमिली प्रॉब्लम है और वह अपनी स्टडीज़ प्रॉपर्ली नहीं कर पा रहा, तो इसी के माध्यम से, डिजिटल एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से, वह घर बैठे अच्छे से अपनी स्टडीज़ पूरी कर सकता है। अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो अनलिमिटेड टाइम्स अपने टीचर्स के रिकॉर्डिंग को आप देख सकते हो, अपने टॉपिक्स को वो ईजीली समझ सकता है और उसे सॉल्व भी कर सकता है। जैसे बच्चे NCC कैंप्स में जाते हैं, NSS कैंप्स में जाते हैं, मॉर्निंग में स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्टेड होते हैं और फिर गेम्स के लिए भी जाते हैं मॉर्निंग में, गेम्स और स्पोर्ट्स के लिए आजकल तो ये है हर स्कूल में, तो उनके टूर्नामेंट्स भी होंगे नेशनल और इंटरनेशनल। तो ऐसे बच्चे जो कि एजुकेशन लीव लेकर अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन स्कूल की पढ़ाई का क्या, स्कूल की पढ़ाई तो ख़राब हो गई है। आप ये अपनी क्लासेस कहीं से भी रिज्यूम कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से, किसी भी कंट्री से, अपना टाइम मैनेजमेंट करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी इजीली कंटिन्यू करना उनके लिए बहुत आसान हो जाता है और बहुत इजी और कंफर्टेबल उनकी लाइफ हो जाती है, टेंशन्स कम होती है, तो ये पेरेंट्स और बच्चों के लिए, दोनों के लिए बहुत कम्फर्टेबल है। को इतिहास गवाह है कि कई बार ऐसे झटकों से हमारी दुनिया बदली है और वह भी बहुत पॉजिटिव तरीके से बदली है, जैसे कि एक वायरस कोरोना ने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया, काम करने के तरीकों से लेकर सोच में भी भयंकर चेंजेस आए हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, लाखों लोग मारे गए, इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए लोगों की कमी पड़ गई, तो सब ने क्या किया, उनकी जगह लेडीज़ ने काम करना शुरू कर दिया और रातों रात लेडीज़ का ड्रेसिंग सेंस, उनके जीने का तरीका, उनको देखने का अंदाज, सब कुछ बदल गया और इतने हमारे वैज्ञानिक खोजें भी हुई। वैसे ही बात करते हैं हमारे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, उसने पूरे वर्ल्ड में इक्वालिटी, फ्रीडम, पीसफुल एनवायरनमेंट और एक दूसरे की हेल्प करना जैसे थॉट्स हमारे दिमाग में आए। किस लिए आए, क्योंकि हर रिवॉल्यूशन के बाद में जो क्रांति होती है, एक अच्छा और एक सकारात्मक परिवर्तन ज़रूर होता है। अर्थात कितनी भी क्रूशल सर्कमस्टेंसेस आ जाए, उसके बाद में भी जो ड्रास्टिक चेंज आता है उसका सोसाइटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ता है। एब्सेंटीज, स्टूडेंट्स को अपने स्टडी मटेरियल्स, अपने रिकॉर्डिंग्स ईजीली मिल जाते हैं,
गुड नॉलेज, सिलेबस इजीली अवेलेबल हो जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी एजुकेशन सिस्टम होने के कारण स्टूडेंट्स अपने करंट जो भी रिकॉर्डिंग क्लासेस में ले रहा है, और क्रिएटिविटी और उसके जो सब्जेक्ट में मौलिकता भी बढ़ती है, और कंट्री सिटीज़ और ट्रैफिक आप देख रहे हैं कि रोज़ाना मॉर्निंग में ऑटो आ रहे हैं, बसेस चल रही है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, पोल्यूशन हो रहा है, ये हमारे दिमाग को बहुत पीसफुल करता है और हमारे पर्यावरण को एकदम शुद्ध करने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है दर्शकों। चलिए बात करते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट की, ये भी हमें पता होना चाहिए इसको कैसे ओवरकम करना है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। हमारे बच्चों पे और पेरेंट्स पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और उसको कैसे ओवरकम करेंगे वो मैं आपको बताऊंगी आगे। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि सभी पेरेंट्स और बच्चों को एक अलग अलग तरीके का प्रेशर है, वो मेंटली प्रेशर भी हो सकता है, और इसकी वजह से बच्चों में और पेरेंट्स में डिप्रेशन भी कहीं ना कहीं देखने को मिला है। लेकिन अगर हमने हमारी लाइफ को अगर व्यवस्थित कर लिया, सिस्टमैटिक कर लिया, तो ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बाकी की कंट्रीज़ भी तो कर रही है। मानव एक सामाजिक प्राणी है और समाज से ही कनेक्टेड होकर रहना चाहता है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग कोई भी टीचर या फिर पेरेंट अपने बच्चे को प्रेशराइज नहीं कर सकता। क्लास को अटेंड करने के लिए क्यूरोसिटी बच्चे में अपने हार्ट से, अपने माइंड से होनी चाहिए। ही शुड फील दैट आई शुड नॉट मिस माई क्लास एंड आई शुड बी देयर ऑन टाइम। ये बच्चों को टीचर्स के साथ साथ में पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये बच्चों में इंकल्केट करें, ये फीलिंग्स इंकल्केट करें। फिजिकल एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आप सोचते होंगे तो फिट रहने के लिए इसीलिए फिजिकल वर्कआउट्स और योगा वर्कआउट्स ऑनलाइन करवाए जा रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस रेगुलरली करनी चाहिए। इस भावना को जागृत करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स की, साथ साथ में टीचर्स तो कर ही गए हैं। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, ये इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बच्चों को उसी तरीके से मॉर्निंग में उठना चाहिए जैसे कोरोना प्रॉब्लम से पहले वो स्कूल जाते थे। ऐसा क्यों सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम चल रही है, और समय पर उनको उठना भी चाहिए। बिल्कुल उसी तरीके से उनको फॉलो करना चाहिए अपना प्रॉपर शेड्यूल, और ब्रेकफास्ट वगैरह अच्छे से लेकर उनको पढ़ने के लिए बैठना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है इसमें, ताकि उनको लगे नहीं कि वो घर पे हैं। उनका एक पर्टिकुलर सिटिंग प्लेस होना चाहिए जहाँ पर प्रॉपर तरीके से बैठे हो, उनका सिटिंग पोस्चर बिल्कुल ठीक होना चाहिए जिससे कि उनमें लेजीनेस नहीं आए। ये बहुत ज़रूरी है, लेट के जो बच्चे पढ़ते हैं या फिर किसी भी पोस्चर में बैठ जाते हैं लेजीनेस, वो प्रॉपर उनमें वो फीलिंग नहीं आती एज दे आर डूइंग स्टडीज़। तो बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों के लिए एक जगह बनाएं और उनको अच्छे से बैठाएं। ऑनलाइन वीडियो हो, चाहे वो क्राफ्ट वीडियो हो, चाहे वो डांस के वीडियोस हो, चाहे फिजिकल वर्कआउट हो जो टीचर्स पोस्ट करते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से मॉर्निंग में करें जैसे स्कूल असेंबली में किया करते थे हम लोग। हम क्यों चेंज करें हमारे पैटर्न को, हम उसके अकॉर्डिंग अच्छा है आपका टाइम कितना सेव हुआ है, यूनिफॉर्म पहनना है ना, आपका वेट करना बस के लिए बहुत सारा टाइम आपका सेव हुआ है इससे, उसके बाद रूल्स प्रॉपर वे में फॉलो भी कर सकते हैं हम इजीली। हमें समझना चाहिए कि स्कूल टाइम टेबल जैसे फॉलो कर रहे थे हम, उसी को ही हम आगे फॉलो करें। ऑनलाइन स्टडीज़ तभी सक्सेसफुल हो सकती है, वरना ये किसी के लिए भी सक्सेसफुल नहीं है। दर्शकों, आप कोशिश करें कि अपने बच्चों को या तो आप टैबलेट्स या फिर लैपटॉप उपलब्ध कराएं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। ऐसा नहीं है कि आपको हर साल एक नया लैपटॉप या फिर टैबलेट लेना है बच्चों के लिए, ये ज़रूरी नहीं है। केवल वन टाइम अच्छी क्वालिटी का लाके दें जिसमें अच्छा स्पेस हो, ठीक है। ये बहुत यूज़फुल इसलिए रहेगा क्योंकि एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से कोडिंग क्लासेस अब क्लास 5 से स्टार्ट हो जाएगी, जैसा कि आप सब लोग जानते ही होंगे। इंट्रोड्यूस करा है हमारा एजुकेशन सिस्टम, इसमें कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे अपनी एप्लीकेशन खुद डिज़ाइन कर पाएंगे। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के चलते हम ट्रेडिशनल एजुकेशन को नहीं अपना सकते, हमें खुद को बदलने की बहुत ज़रूरत है। कोशिश करें बच्चों को लैपटॉप टैबलेट देने की, जिससे कि वो प्रॉपर, उनको टैबलेट में प्रॉपर स्पेस हो, बच्चे अपने वीडियोस, अपने रिकॉर्डिंग, अपने इमेजेस, अपने रिलेटेड सब्जेक्ट के नोट्स इजीली डाउनलोड कर सकें, करेक्ट पोस्चर में पढ़ाई करें, उनको टेबल कुर्सी आप अवेलेबल कराओ। लेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी। अब आप कहोगे कि टैबलेट्स और मोबाइल्स तो बिल्कुल अच्छे नहीं है बच्चों के लिए, तो आप अनअप्रोप्रिएट साइट्स को ब्लॉक कर दें। रिक्वेस्ट डालें उम्र के हिसाब से साइट्स
सेलेक्ट करें, वरना उन्हें आपको ब्लॉक कर देना चाहिए, जो कि बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ा चैलेंज है टीचर्स के लिए, वाकई बहुत टफ चैलेंज है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ऐसे भी कई टीचर्स हैं जो कि बहुत एजेड हैं। आज की टेक्नोलॉजी और पहले की टेक्नोलॉजी में दर्शकों रात और दिन का अंतर है। आज की टेक्नोलॉजी से वो फ्रेंडली नहीं है, तो उन्हें अपने विषय पर कड़ी मजबूती पकड़ होते हुए भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑनलाइन टीचिंग में सब कुछ मैनेज करना, सब कुछ सीखना अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, इट इज़ नॉट दैट मच ईजी विच यू थिंक। आपके लिए डाउनलोडेड वीडियोस बनाना, उन्हें सेंड करना, पीडीएफ फाइल क्रिएट करना, और सबसे बड़ा चैलेंज पता है क्या है? आपकी ऑनलाइन कॉपीज चेक करना, इतना आसान नहीं है। आज उनकी जॉब 24 आवर्स की हो गई है। आप कोशिश करो उनसे नॉलेज गेन करने की। आपको नॉलेज से मतलब है आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको कोई परेशानी ना आए, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस पूछो। टीचर्स को टाइम दो सेटल होने के लिए, जैसे आपको हमने सेटल होने के लिए टाइम दिया है। रिस्पेक्ट करो और आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज उनसे लेने की कोशिश करो। घर में 4 मेंबर्स है और 4 मेंबर्स का काम ऑनलाइन ही हो रहा है, बहुत मुश्किल है ये टीचर्स के लिए और भी सब लोगों के लिए जो भी ये चीज़ ऑनलाइन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। तो सबको मालूम है जल्दी ही स्कूल शुरू हो जाएंगे, लेकिन ऑनलाइन का कल्चर कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। दोनों को साथ में लेकर ही हमें चलना पड़ेगा। तो एक्सेप्ट टेक्नोलॉजी एंड कॉन्ट्रीब्यूट। थैंक यू।